हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइव मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आके बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज के इस वीडियो में राउटर्स के बारे में थोड़ी बात हम करने वाले हैं। आखिरकार राउटर्स जो है वो कुछ एक इवॉल्व और थोड़ा इंटेलिजेंट है एज कम्पेयर टू द अदर लाइक हब रिपीटर स्विच एंड ब्रिज। बिकॉज यहाँ पे आपको इस राउटर पे नेटवर्क लेयर भी देखने को मिलने वाला है। अभी तक ऐसा कोई भी आपका नेटवर्किंग डिवाइस नहीं था जिसमें आपको नेटवर्क लेयर देखने को मिले। वहां पे हम डेटा लिंक लेयर देख सकते थे जैसे कि स्विच और ब्रिज के अंदर, और हब और रिपीटर में तो भैया सिर्फ फिजिकल लेयर पे काम चल रहा था। लेकिन यहां पे अगर आप एक राउटर कंसीडर करोगे, ये राउटर, तो यहां पे आपको फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, ये तीनों देखने को मिलेंगे। लेकिन ये तीनों कैसे देखने को मिलेंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू ये कैसे होगा। सी हाउ इट इज गोइंग टू बी। कंसिडर ये राउटर है, यहां पे सोर्स है, यहां पे डेस्टिनेशन है। लेट सी दिस वे। तो ये कैसे होगा, इट इज गोइंग टू बी इन दिस वे। फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर, और यहां पे एक होगा आपका नेटवर्क लेयर। तो ये कुछ इस तरीके से जो है आपको देखने को मिलने वाला है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो यहां पे एक राउटर यहां पे जो है, यहां पे आपको इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है अपने तीनों लेयर का देखने को मिलने वाला है। ये क्यों, ऐसा क्यों है, ये भी एक सवाल दिमाग में उठता है, ऐसा क्यों है। सो लेट्स कंसीडर यहां पे एक नेटवर्क है और यहां पे एक नेटवर्क है, और दोनों नेटवर्क अलग है। लेट्स से यहां पे भैया इसका जो है इथरनेट है, इसका जो है टोकन रिंग है, दोनों के फ्रेम फॉर्मेट अलग अलग है, ये आपको पता होना चाहिए, बराबर है कि नहीं। तो दोनों के फ्रेम फॉर्मेट जो है अलग अलग है, लेकिन राउटर फिर भी काम कर रहा है, इसमें काम कर जाता है। कैसे कर जाता है, पहले वाले तो काम नहीं कर रहे थे। प्रैक्टिकली अगर देखोगे, ब्रिज हो गया, स्विच हो गया, रिपीटर हब हो गया, तो वो ऐसे डिफरेंट जो, जैसे यहां पे इथरनेट है और यहां पे टोकन है, ऐसे डिफरेंट लैंड टाइप्स के साथ तो वो काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन राउटर काम कर सकता है, क्यों, यहां पे जो सेंडर कुछ अपना जो फ्रेम भेजेगा, उस फ्रेम के अंदर जो डेटा होगा, बराबर है, ये फ्रेम भेजा। तो लेट्स कंसीडर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो इंटरफेस है, यहां से जो आपका डीएलएल जो है एक तरीके से इस फ्रेम से अवगत होगा, यानी इस लैंग्वेज से अवगत होगा, जो भी यहां से बातचीत या बोला जा रहा है सेंडर साइड से, उस लैंग्वेज से आपका डीएलएल, उस फ्रेम से आपका डीएलएल जो है वो अवगत है। ओके, उसे पता है यहां पे अगर इथरनेट है तो इथरनेट फ्रेम फॉर्मेट उसको पता है। तो वो यहां पे सिर्फ क्या करेगा कि यहां का जो डेटा है वो नेटवर्क लेयर को दे देगा। ओके, और फिर नेटवर्क लेयर क्या करेगा, एज पर द अदर साइड फ्रेम फॉर्मेट, उस फ्रेम के अंदर उस पर्टिकुलर डेटा को डाल देगा, और वो डेटा फिर आपका डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो काम कर रहा है कि यहां पे एक अलग लैंग्वेज चल रही है, यहां पे एक अलग लैंग्वेज चल रही है। इन अ वे कहने का मतलब टेक्निकली कि यहां पे अलग फ्रेम फॉर्मेट है, यहां पे अलग फ्रेम फॉर्मेट है, यहां पे इथरनेट है, यहां पे टोकन रिंग है। तो इस फ्रेम फॉर्मेट को समझने वाला यहां पे डीएलएल मौजूद है, जो क्या करता है, यहां का जो पर्टिकुलर डेटा है वो ले रहा है और आपके नेटवर्क लेयर को दे दे रहा है, और जो नेटवर्क लेयर है फिर उस डेटा को सिंपली एज पर द अकॉर्डिंग टू द फ्रेम फॉर्मेट ऑफ दिस पर्टिकुलर एंड, उस फ्रेम में डाल के, जैसे कि टोकन रिंग है तो टोकन रिंग के फ्रेम फॉर्मेट में डाल के उसे वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। दिस वे बेसिकली आपका राउटर का फंक्शनिंग आपको देखने को मिल जाएगा। एक और चीज है जो मैंने आपको राउटिंग के बारे में तो बहुत सारी बातें कर ली है, तो राउटर से जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा फंडा है राउटिंग, और राउटिंग के अल्गोरिदम, डीवीआर अल्गोरिदम, एलएसआर अल्गोरिदम, दैट इज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एंड लिंक स्टेट राउटिंग, इनके बारे में डिटेल में मैंने चर्चा कर चुकी है, वो वीडियोस आप देख लीजिए। अगर आपको राउटिंग अल्गोरिदम जानने में इंटरेस्ट है तो वहां पे मैंने बड़े आसान भाषा में एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की ही है। एक और चीज अभी हम लोग राउटर के बारे में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो ये है कि जो आपके ब्रिज था, स्विच था, वहां पे अगर MTU अलग अलग हो तो वो ऑपरेट नहीं कर पा रहा था। मतलब लेट्स से इसका MTU जो है वो 500 है और इसका MTU जो है 200 है, दैट इज मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट जो है वो अलग अलग है, दोनों साइड पे अलग अलग है, लेकिन राउटर काम कर जाता है। क्यों, बिकॉज राउटर के पास नेटवर्क लेयर है, और इन सिचुएशंस में आपको फ्रेगमेंटेशन करना पड़ सकता है जो कि नेटवर्क लेयर पे किया जाता है, तो राउटर उसे परफॉर्म कर सकता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो राउटर जो है वो फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म कर सकते हैं एज दे हैव द नेटवर्क लेयर, और ऐसी सिचुएशंस जब आ जाती है कि जब डिफरेंट MTUs हो, यानी कि अगर मैं यहां से एक डेटाग्राम 500 बाइट का सेंड करने की कोशिश करूंगा तो यहां तो उतनी कैपेसिटी नहीं है,
ओके उसकी एमटीयू 200 है, तो उस हिसाब से फ्रेगमेंट करने पड़ेंगे अपने डेटाग्राम के, यानी फ्रेगमेंटेशन कैरी आउट करना पड़ेगा, तो वो कौन करेगा, राउटर एट द नेटवर्क लेयर। और इस वजह से, इन सभी चीजों की वजह से जो फैसिलिटेट आपको राउटर कर रहा है, इसकी वजह से ये काफी कॉस्टली भी होता है। ओके एज कम्पेयर टू अदर नेटवर्किंग डिवाइसेज अगर देखा जाए तो राउटर आपको कॉस्टली उन सब में देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो राउटर है वो फिल्टरिंग करना भी जानता है, फिल्टरिंग डिसीजन लेना भी जानता है, यानी कि जैसे कि कुछ रिक्वेस्ट होती है, ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट, जैसे कि आपकी ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट थी, RARP रिवर्स ऑफ ARP जो आपकी ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट थी, उसको वो यहाँ पे स्टॉप कर देता है, वो अदर एंड पे उसको जाने नहीं देता, जिस वजह से क्या हो रहा है, अननेसेसरी ट्रैफिक बढ़ने से बच रहा है, ट्रैफिक यहाँ पे एक तरीके से कंट्रोल में है। मानो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर नेटवर्क है, ओके ये जो यहाँ पे पर्टिकुलर नेटवर्क है, यहाँ पे जो आपके होस्ट है उसने क्या किया, एक ARP रिक्वेस्ट भेजी, तो उसको यहीं पे रोक दिया जाता है, उसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा है। ओके बिकॉज दिस इज अ ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट, चाहे फिर वो आपकी ARP हो RARP हो, उसको यहीं पे रोक दिया जाता है। फिल्टरिंग यहाँ पे राउटर बहुत बढ़िया तरीके से कर पा रहा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।